नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरपीएल मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फिरोजपुर में पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पर संत जगदीश मुनि जी का शिविर चल रहा है, साथ ही चल रही है संत जगदीश मुनि जी की डांस क्लास। प्रातः 5:30 बजे यह डांस क्लास शुरू होती है। फिरोजपुर के बांसी गेट में स्थित ST सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संत जगदीश मुनि जी द्वारा शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें सुबह 5:30 बजे संत जगदीश मुनि जी की डांस क्लास शुरू होती है। पुराने घिसे पिटे आसनों को छोड़कर अब संत जगदीश मुनि द्वारा नए नए योग क्रियाओं की खोज की गई है, जिनके द्वारा लोगों को निरोग बनाने के लिए उनके द्वारा प्रातः 5:30 बजे से 7 बजे तक एक शिविर यहां पर आयोजित किया जाता है, जिसमें नए नए आसन करवाए जाते हैं, नई नई क्रियाएं करवाकर लोगों को निरोग बनाने का एक प्रयास संत जगदीश मुनि द्वारा किया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। संत जगदीश मुनि जी का यह शिविर फिरोजपुर के बांसी गेट में स्थित ST सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 जून 2019 तक जारी रहेगा, जिसमें रोजाना प्रातः 5:30 बजे से 7 बजे तक डांस क्लास आयोजित की जाती है। संत जगदीश मुनि द्वारा नई नई योग क्रियाओं द्वारा लोगों को बीमारी मुक्त किया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।
बावरी ने, सुने बावरी ने, सुने बावरी ने ताने हजार। आज मैं नचने दे, से आया। मैं दिल्ली से आया हूँ। आज आपने संत जी की योग क्लास अटेंड की, कैसा लगा? आज तो शरीर भी अच्छा लगा और थकावट भी थोड़ी थी कल की, जो आज दूर भी हो गई है, अच्छी लगी जी। जो ये स्टेप करवाते हैं, आपने पहले कभी किए हैं ऐसे स्टेप? नहीं, पहले मैंने, मतलब मैं जाता हूँ दिल्ली में ग्राउंड के अंदर, वैसे राउंड काट के वैसे ही योगा करके मैं आ जाता हूँ। लेकिन आज जो योगा कर रही है पूरी, इससे थोड़ा सा लादी
ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਜੀ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਸੇ। ਯੇ ਜੋ ਆਪਨੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਜੀ ਕਾ ਯੋਗ ਸ਼ਿਵਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਆਪਕੋ? ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਆਸਣ ਇਨਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਅੱਛੇ ਹੈ। ਕਭੀ ਕੀਏ ਹੈ ਐਸੇ ਆਸਣ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਵੈਸੇ ਘਰ ਮੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਲੋਗੋ ਕੋ? ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਤਾ ਹੈ। अजय कुमार जी। अजय जी, जो आपने ये शिविर अटेंड किया कैसा लगा आपको? ये शिविर बहुत ही प्रोडक्टिव है और बहुत ही अच्छा है, जिससे सारे शरीर के रोगों को दूर किया जा सकता है बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के, और परमानेंट ये सोल्यूशन है। इस शिविर में आके ये प्रैक्टिकली देख के मुझे पता चला। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? योग का मतलब जोड़ना होता है। जो योग है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जैसे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट काम करता है, केमिकल रिएक्शन को वो फास्ट करता है और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसको जल्दी कर देता है। योग इसके अंदर ये योगदान देता है। जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे स्वामी जी देते हैं और उसको योग को योग के साथ यदि मिला दिया जाए तो वो एक प्रोडक्टिव और परमानेंट और क्विक इलाज हो जाता है, जिससे हम जल्द ही निरोग होकर समाज की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही समाज की सेवा कर सकता है। और सेवा जो करता है निष्काम और निस्वार्थ, जो योग का मतलब है जोड़ना, और वही अपना शुद्धिकरण करके इस पवित्रता के साथ, पवित्र परमात्मा के साथ जुड़कर रहते और चेहरे पर हमेशा मुस्कान ऑटोमेटिक बनी रहती है। नकली मुस्कान लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है।